बहुत 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 अच्छी लगी। क्या हेट स्टोरी 4 के बारे में कहना चाहिए? हेट स्टोरी 4 के बारे में ये बोलूँगी कि जो पहले आ चुकी है वो इससे थोड़ा ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये भी फिल्म अच्छी है। बहुत सही, उनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, उनके वजह से ही तो फिल्म देखने आई थी। दोनों अपने अपने जगह पे अच्छे हैं, और अगर दोनों में अगर कंपेयर करें तो उर्वशी ज़्यादा अच्छी है। गाने तो सारे अच्छे हैं, लेकिन आशिक बनाया आपने मुझे सबसे अच्छा लगा। क्या बेस्ट लगा आपको फिल्म के बारे में? फिल्म के हाँ क्लाइमेक्स मुझे सबसे अच्छा लगा। 3.5। Tell us about the film Hate Story 4. The movie was really nice overall. The movie had a lot of suspense, a lot of romance. Overall, the chemistry between Urvashi Rautela and Karan Vahi was also good. Urvashi Rautela looked hot, Karan Vahi handsome and sexy. And music of the movie was also nice. Okay, do you find it more interesting as compared to the previous one? Yeah, it was a better version of the previous three. And it was nice than all of those three. Okay, what is the best part you think of the film? When the suspense opens up in the end, the climax was really nice of the movie. The way the movie was intuited in the end was also nice. Okay, who's a better performer in terms of acting, Urvashi Rautela, Karan Vahi? Urvashi Rautela, her way of presenting her own self, yeah. Okay, music of the film? It was very nice. The best song? Aashik Binaya by Neha Kakkar. Yeah. Okay, how many songs do you give? 4. Thank you so much. Thank you for taking care of me. Hate Story 4. How did you give it? It was okay. Not that good, not that bad. ओके क्या कंपैरिजन अगर हम पिछली स्टोरीज की बात करें क्या उसकी जितनी अच्छी है फिल्म? वेल नहीं, क्योंकि हेट स्टोरी 1 और 2 से कंपेयर किया जाए उसका स्टोरी लाइन प्लॉट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इसका इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, इसका थोड़ा इम्पोजिंग था कि थोप रहे थे, कुछ डायलॉग्स ऐसे रिपीटेड थे, कुछ तो अननेसेसरी थे कि जिनका मतलब भी नहीं था, तो इट वॉज जस्ट काइंड ऑफ इम्पोज कर रहे थे ऑडियंस के ऊपर। ओके, करण वाही और उर्वशी रुतेला? करण वाही। ओके, म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आशिक बनाया तो वैसे भी वो तब भी अच्छा था, अभी उसका जो रिवाइव वर्जन निकला है वो भी बहुत अच्छा था, अच्छा लगा, मतलब इट कहते ना मजबूर करता है आपको टैप करने में। 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 3। थैंक यू। क्या अच्छा लगा आपको फिल्म में? एक्चुअली करण भाई, बहुत टाइम से मैं करण भाई को देखने की कोशिश कर रहा था, आज करण भाई को फर्स्ट चांस मिला मूवी में, आई लाइक दैट, एंजॉय। ओके, उर्वशी रुतेला के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो उर्वशी रुतेला क्या उनका परफॉर्मेंस? ओह शी इज अ डैम। हाउ इज द आशिक बनाया सॉन्ग? या इट इज नाइस। ओके, कितना म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे? 3.5। ओके, थैंक यू सो मच। हेट स्टोरी 4। कैसी लगी फिल्म आपको? ठीक लगी, स्टोरी वाज नॉट सो गुड बट मूवी इज ठीक है, वॉचेबल, वन टाइम वॉच मूवी। गाने की बात की जाए तो किस तरीके का गाना? गाने सिर्फ आशिक बनाया अच्छा था, बाकी ठीक ठाक थे, इतने कुछ खास नहीं। केमिस्ट्री अच्छी थी करण और उर्वशी की, एंड उर्वशी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। ओके, यू नो हेट स्टोरी सीरीज रही है 1, 2, 3, 4, कंपैरिजन है और क्या बेहतर है? द ओल्डर पार्ट्स वर मच बेटर देन द दिस अदर न्यू पार्ट। ओके, वाज अ बेटर परफॉर्मर उर्वशी और करण वाही? उर्वशी ऑब्वियसली, एक्टिंग वाज अमेजिंग, नॉट इन कंपटीशन टू करण। ओके, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट यू थिंक अबाउट द फिल्म? Best part was the way they presented the movie and Urvashi's acting obviously. Direction की बात की जाए तो किस तरीके का? Direction भी अच्छा था but story was not so good and मतलब थोड़ा confusing थी story. पहले के part जल्दी दिखाए, बाद में क्या अलग दिखाए वैसा। Okay, बात कितने stars देना चाहिए? 3 stars. Thank you. Sorry? Have you seen it? Sorry. Yeah, I have seen. What did you say about the film? Picture थोड़ी suspense है, थोड़ी thriller है और actually मैं ये movie सिर्फ उर्वशी रौतेला के लिए देखने आया था क्योंकि उर्वशी रौतेला इज मेरी बहुत बहुत फेवरेट है, बट पिक्चर अच्छी है, अच्छी है। ओके, कौन ज्यादा क्योंकि आपकी फेवरेट है, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगा हेट स्टोरी 1, 2, 3 सीरीज रही है, क्या कंपैरिजन होगा और क्या ये बेहतर है पहले वाली जो स्टोरी? हेट स्टोरी 1 और 2 जो आई थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, इन कंपैरेटिवली ये मैं आपको हाफ रीडिंग कम ही दूंगा, बट स्टिल ठीक है, मूवी वन टाइम वॉचेबल है और अच्छी है, ठीक है। एक बार ऑफ कोर्स उर्वशी। Why you think so? And what is the best part of the film you think about? नहीं, क्योंकि जो भी मूवी है वो पूरी वुमेन ओरिएंटेड है और उर्वशी पे ही वो सारी सारा कुछ उर्वशी पे ही बेस्ड है बेसिकली। तो ओके, म्यूजिक ऑफ द फिल्म? म्यूजिक बहुत अच्छा है, उसमें एक गाना है मिथुन ने जो इसका म्यूजिक दिया, तुम मेरे हो मेरे ही रहना, वो अमेजिंग सॉन्ग, बहुत अच्छा सॉन्ग है वो। ओके, आउट ऑफ 5 स्टार हमने स्टार्ट किया 3.5। थैंक यू सो मच सर, एंड वी लव यू। इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे फिल्म। ओके, यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म हेट स्टोरी 4? हेट स्टोरी 4 मतलब कुछ इतना बेस्ट पार्ट लगा ही नहीं जितना हेट स्टोरी उसके सस्पेंस के लिए रहती है हमेशा,
उसमें इतना सस्पेंस नहीं था, मतलब इनफैक्ट कॉमेडी था, हम लोग हंस रहे थे हर सीन्स में उसको रिलेट करके, तो इतना अच्छा है। खाली आशिक बनाया सॉन्ग अच्छा था, बाकी सॉन्ग्स भी इतने अच्छे नहीं थे और एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा नहीं आया और डायलॉग्स तो बहुत ज़्यादा ऐसे फेक लग रहे थे कि ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है, तो इतना मतलब ठीक है वर्थ। और इतना अच्छा, इतना एक्साइटमेंट थी 8 Story 4 की, अभी देखेंगे आएगी आएगी, ट्रेलर में जिस हिसाब से दिखाया गया था उतनी अच्छी मूवी और उसका सस्पेंस नहीं लगा। ओके, उर्वशी के बारे में क्या कहना? उर्वशी खाली जिसकी वजह से मूवी देखने आए थे तो उसे एक्सपेक्टेशंस बहुत थी पर वो उस हिसाब से मतलब इतना नहीं हुआ बस। ओके, म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहिए? म्यूजिक भी ठीक है, खाली आशिक बनाया सॉन्ग अच्छा लगा, बाकी और इतना अच्छा नहीं। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन पहले का ज़्यादा बेटर था 8 Story 3 जो का 4 से ज़्यादा। ओके, कितने स्टार देना चाहेंगे? 2.5 बस उससे ज़्यादा। थैंक यू सो मच। फिल्म 8 Story 4 क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? अ नाइस मूवी दैट वी कैन वॉच इट अगेन। ओके, डू यू थिंक द सस्पेंस कैरीज ऑन और विल शट अप? नो, इट वाज कैरीड ऑन नाइसली and starting he killed her and the story was thrown out, so it was good. Who was the better performer in terms of acting? Karan bhai and Urvashi Rutra played, nailed it because unexpected was there. Do you find it better than the previous one? Yeah, because everybody has a different story over there, so it was better good. Okay, let's talk about music. Which is the best song you like out of the film? The starting one, Aashiq Banaya, the remake was pretty good. Okay, how many stars would you give? 4